आईपीएल का टोटल बिजनेस 91,000 करोड़ का है। अगले 4 साल तक होने वाले हर आईपीएल के मैच में बीसीसीआई लगभग 118 करोड़ रुपए पर मैच कमाएगा। ऑलमोस्ट $11 बिलियन की वैल्यूएशन के साथ आईपीएल आज वर्ल्ड की मोस्ट वैल्यूएबल क्रिकेट लीग है। आईपीएल मैचेस के बीच में जो एड्स हम देखते हैं, 30 सेकंड के एड्स के लगभग कंपनीज 1 करोड़ रुपए तक पे करती है। सो हाय एवरीवन, रिसेंटली आईपीएल का 16th सीजन स्टार्ट हुआ है, बट डू यू नो आईपीएल जो 2008 में स्टार्ट हुआ था, आज वो बीसीसीआई का सबसे प्रॉफिटेबल स्पोर्टिंग इवेंट है। यस, दैट्स करेक्ट। आईपीएल का पूरा बिजनेस 91,000 करोड़ का है एंड 2023 से 2027 तक होने वाले हर आईपीएल के मैच में बीसीसीआई लगभग 118 करोड़ रुपए पर मैच कमाएगा। अगर आप सबको ये नहीं पता तो डोंट वरी, बिकॉज जितना ज्यादा हम इंडियंस को आईपीएल देखना पसंद है, उतना ही कम नॉलेज हमें आईपीएल की बिजनेस साइड का है। लेकिन अगर आप बिजनेस वर्ल्ड में थोड़ा भी इंटरेस्ट रखते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, बिकॉज आईपीएल एज अ बिजनेस बहुत ही तेजी से ग्रो हो रहा है और इससे आप भी काफी कुछ सीख सकते हो। 2 साल पहले की बात करें तो 2021 में आईपीएल की वैल्यूएशन $4.7 बिलियन थी, जो 2022 में डबल होकर $8.4 बिलियन हुई एंड आज 2023 में आईपीएल की वैल्यूएशन $10.9 बिलियन है एंड ऑलमोस्ट $11 बिलियन की वैल्यूएशन के साथ आज आईपीएल वर्ल्ड की मोस्ट वैल्यूएबल क्रिकेट लीग एंड सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल स्पोर्ट्स लीग भी है। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि कैसे लास्ट 15 सालों में आईपीएल मोस्ट वैल्यूएबल क्रिकेट लीग बन गया, आखिर आईपीएल का बिजनेस मॉडल वर्क कैसे करता है, कैसे बीसीसीआई पैसे कमाती है एंड कैसे और किन तरीकों से टीम ओनर्स को प्रॉफिट होता है। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि आज आईपीएल होता ही नहीं तो आप बोलोगे पागल हो गया या क्या बोल रहा है, बट आप मानो या ना मानो आईपीएल का पूरा कॉन्सेप्ट ही कॉपीड है, और ये बात मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ। आईपीएल शुरू होने से पहले आईसीएल यानी इंडियन क्रिकेट लीग शुरू हो गया था, जिसे जी नेटवर्क के चेयरमैन सुभाष चंद्रा ने स्टार्ट किया था। 30 नवंबर 2007 को आईसीएल का फर्स्ट मैच हुआ था एंड मैच का कॉन्सेप्ट बिल्कुल आईपीएल जैसा ही था। इंडियन प्लस फॉरेन नेशनल्स की टीम होती थी और 20-20 ओवर के ही मैच होते थे। इवन आईपीएल की टीम्स के नेम आईसीएल की टीम से मिलते जुलते हैं, जैसे चेन्नई सुपरस्टार्स, मुंबई चैंप्स, कोलकाता टाइगर्स, ये कुछ आईसीएल टीम्स के नेम्स थे। ये फॉर्मेट उन दिनों काफी पॉपुलर हुआ, लेकिन बीसीसीआई नहीं चाहता था कि आईसीएल एक बड़ी क्रिकेटिंग लीग बने, इसलिए आईसीएल को ग्रो होने से रोकने के लिए बीसीसीआई ने सब कुछ ट्राई किया। सबसे पहले तो बीसीसीआई ने आईसीएल को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करने से मना कर दिया। फिर बीसीसीआई ने उन सभी प्लेयर्स पर बैन लगाया जो आईसीएल का पार्ट थे। इवन यंगर प्लेयर्स पैसों के लिए आईसीएल ज्वाइन ना कर ले, इसके लिए डोमेस्टिक क्रिकेट में प्लेयर्स की सैलरीज भी बढ़ाई गई। अल्टीमेटली बीसीसीआई के सारे एफर्ट्स काम भी आए और आईसीएल की व्यूअरशिप काफी कम हो गई, जिसकी वजह से जी नेटवर्क को इसे बंद करना पड़ा। बट इस टाइम तक 2020 क्रिकेट काफी पॉपुलर हो चुका था और 2007 में इंडिया के वर्ल्ड कप जीतने के बाद इंडियंस में इसका क्रेज और भी ज्यादा बढ़ गया, और इस फॉर्मेट के बिजनेस पोटेंशियल को देखते हुए बीसीसीआई ने अपने खुद की स्पोर्ट्स लीग आईपीएल को स्टार्ट किया। इसका फर्स्ट मैच 18 अप्रैल 2008 को बैंगलोर एंड कोलकाता की टीम्स के बीच खेला गया था। और आज आईपीएल को कौन नहीं देखता, आज आईपीएल इंडिया का मोस्ट सेलिब्रेटेड क्रिकेटिंग फेस्टिवल तो है ही, साथ ही साथ बीसीसीआई जो वर्ल्ड की रिचेस्ट क्रिकेट बॉडी है उसके लिए रेवेन्यू का एक मेजॉरिटी सोर्स भी है। तो अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आईपीएल का बिजनेस मॉडल वर्क कैसे करता है। आईपीएल बिजनेस मॉडल के 4 बड़े पिलर्स हैं। फर्स्ट है बीसीसीआई जो कि ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है। सेकंड पे आती है आईपीएल टीम्स जैसे चेन्नई सुपर किंग्स, मुंबई इंडियंस, कोलकाता नाइट राइडर्स एक्सेट्रा। थर्ड होते हैं ब्रॉडकास्टर्स जो कि टेलीविजन एंड इंटरनेट पर हमें मैचेस दिखाते हैं। एंड लास्टली स्पॉन्सर्स। स्पॉन्सर्स वो प्राइवेट ब्रांड्स होते हैं जो अपनी कंपनी की विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए आईपीएल और आईपीएल की टीम्स पर पैसा लगाते हैं, फॉर एग्जांपल टाटा, ड्रीम इलेवन, वीवो एक्सेट्रा। हालांकि आईपीएल एक ऐसे बिजनेस मॉडल पर बेस्ड है जिसमें बीसीसीआई 50% रेवेन्यू तो अपने पास रखता है एंड बचा हुआ 50% रेवेन्यू टीम फ्रेंचाइजीज को बांट देता है। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये रेवेन्यू बीसीसीआई कमाता कैसे है। आईपीएल ऑर्गेनाइज करवाने के लिए बीसीसीआई को मेनली 4 जगह से पैसे मिलते हैं। फर्स्ट है मीडिया एंड ब्रॉडकास्टिंग राइट्स। रिसेंटली 2023 से 2027 तक के मीडिया एंड ब्रॉडकास्टिंग राइट्स को बेचकर बीसीसीआई ने 48,390 करोड़ का रेवेन्यू किया। अब ये भी समझ लेते हैं कि ये राइट्स होते क्या है। मीडिया राइट्स मतलब होता है वो टीवी चैनल जिस पर आईपीएल के मैचेस दिखाए जाएंगे। जैसे आईपीएल जब स्टार्ट हुआ था तो ये राइट्स सेटमैक्स के पास थे, तो हमें मैचेस सेटमैक्स पर जाके देखने पड़ते थे, लेकिन अब ये राइट्स डिज्नी हॉटस्टार के पास है, इसलिए करंटली मैचेस स्टार स्पोर्ट्स पर देखने को मिलते हैं। एंड आईपीएल मैचेस को इंटरनेट पर स्ट्रीम करने के लिए जो राइट्स लगते हैं उन्हें कहते हैं ब्रॉडकास्टिंग राइट्स। पहले ये राइट्स डिज्नी हॉटस्टार के पास थे, बट करंटली ये राइट्स रिलायंस की सपोर्टेड कंपनी वायकम 18 के पास है, इसीलिए इस बार ऑनलाइन स्ट्रीमिंग मैचेस की जियो सिनेमा पर हो रही है। सेकंड इज फ्रेंचाइज फीस।
हर साल आईपीएल टीम्स बीसीसीआई को एक फ्रेंचाइज फीस पे करती है। ये अमाउंट फ्रेंचाइज वैल्यू का 10% होता है। जैसे मुंबई इंडियंस की ब्रांड वैल्यू 83 मिलियन डॉलर्स है, तो हर साल मुंबई इंडियंस 8.3 मिलियन डॉलर्स बीसीसीआई को फ्रेंचाइज फीस पे करेगी। मीडिया राइट्स एंड फ्रेंचाइज फीस के बाद बीसीसीआई को पैसे मिलते हैं टाइटल स्पॉन्सरशिप से। ईयर 2022-23 की टाइटल स्पॉन्सरशिप से बीसीसीआई को 670 करोड़ रुपए मिले। पर अब बात आती है कि टाइटल स्पॉन्सरशिप आखिर होती क्या है। आपने आईपीएल का नेम हर सीजन में बदलते हुए सुना होगा। जैसे 2020 में इसे ड्रीम 11 आईपीएल बोलते थे, 2021 में वीवो आईपीएल, और अब हम इसे टाटा आईपीएल बोलते हैं। सो आईपीएल के टाइटल के साथ जो कंपनी अपना नेम एसोसिएट करती है उसे टाइटल स्पॉन्सर बोलते हैं। और इस सीजन की टाइटल स्पॉन्सरशिप टाटा ग्रुप के पास है। बीसीसीआई के रेवेन्यू का फोर्थ मेथड है अदर स्पॉन्सरशिप्स। बीसीसीआई को टाइटल स्पॉन्सरशिप के अलावा भी काफी तरीके के स्पॉन्सरशिप से पैसे मिलते हैं, जैसे मैन ऑफ द मैच स्पॉन्सरशिप, बेस्ट कैच ऑफ द मैच स्पॉन्सरशिप एंड स्ट्रेटेजिक टाइम आउट स्पॉन्सरशिप्स एटसेट्रा। वैसे तो ये इनकम बीसीसीआई के लिए बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू टाइटल स्पॉन्सरशिप्स एंड ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, लेकिन फिर भी बीसीसीआई इससे लगभग 300 करोड़ रुपए हर साल कमा लेती है। होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा कि आईपीएल से बीसीसीआई कैसे पैसे कमाती है। अब हम ये भी समझ लेते हैं कि आईपीएल टीम्स कैसे पैसे कमाती है। बिकॉज इंडिया में अगर देखा जाए तो सबको अपनी आईपीएल टीम्स चाहिए, चाहे वो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हो या फेमस बिजनेसमैन। वेल, एक टीम के पास भी अर्निंग के मल्टीपल सोर्सेज होते हैं। सबसे बड़ा जो टीम का रेवेन्यू सोर्स होता है वो होता है मीडिया राइट्स एंड स्पॉन्सरशिप्स। अब जिन मीडिया राइट्स एंड स्पॉन्सरशिप से बीसीसीआई को पैसे मिलते हैं उसका 50% आईपीएल टीम्स के पास भी जाता है। लेकिन ये जो 50% अमाउंट मिलता है ये टीम्स की ब्रांड वैल्यू पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, चेन्नई सुपर किंग्स एंड मुंबई इंडियंस की पॉपुलैरिटी अदर टीम्स के कंपैरिजन में ज्यादा है तो उन्हें रेवेन्यू का भी ज्यादा शेयर मिलेगा। सेकंड इज टिकट सेल्स। आईपीएल टीम्स को टिकट की सेल्स से भी पैसे मिलते हैं। जब भी कोई टीम अपने होम स्टेडियम पर मैच खेलती है तो उसे टिकट सेल्स का 80% तक कट मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, आईपीएल 2023 का फर्स्ट मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटन्स एंड चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला गया, जो कि गुजरात टाइटन्स का होम ग्राउंड है। इस मैच में जितनी भी टिकट सेल्स हुई होंगी उसका 80% रेवेन्यू गुजरात टाइटन्स को मिलेगा। वेल, टिकट सेल्स का रेवेन्यू हर टीम को इक्वल मिले इसके लिए बीसीसीआई हर टीम के होम ग्राउंड पे बराबर मैचेस रखती है। थर्ड इज स्पॉन्सरशिप्स। आईपीएल टीम्स अपने रेवेन्यू का एक मेजर चंक ब्रांड स्पॉन्सरशिप से कमाती है। ब्रांड्स आईपीएल टीम्स के प्लेयर्स की जर्सी को स्पॉन्सर करते हैं ताकि उनके ब्रांड्स को विजिबिलिटी मिले। जर्सी के ऊपर स्पॉन्सरशिप करने का फंडा बिल्कुल सिंपल होता है। जितना बड़ा जर्सी के ऊपर ब्रांड का लोगो होता है उतना ज्यादा वो टीम्स को पे करते हैं। एंड ऑन एन एवरेज एक प्लेयर की जर्सी में लगभग 10 ब्रांड लोगोज होते हैं, 6 उनकी टी शर्ट पे, 2 उनकी कैप्स पे, 2 उनके ट्राउजर में, और कम से कम 1 तो उनके हेलमेट पे भी होता है। फोर्थ पे आती है मर्चेंडाइज सेल्स। सभी टीम्स अपने मर्चेंडाइज जैसे टी शर्ट्स, कैप्स, वॉचेस, मग्स एक्सेट्रा सेल करते हैं। इसके लिए इनके मर्चेंडाइजिंग पार्टनर्स भी होते हैं, जैसे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का मर्चेंडाइजिंग पार्टनर मिंत्रा है एंड मुंबई इंडियंस का परफॉर्मेक्स। जो टीम जितनी ज्यादा पॉपुलर होती है उतनी ही ज्यादा अर्निंग वो मर्चेंडाइजिंग से करती है। और एक मार्केट रिसर्च बताती है कि इंडिया में अभी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एंड अपैरल्स का मार्केट 28 बिलियन डॉलर्स का है, जो कि 2027 तक बढ़कर 40.6 बिलियन डॉलर्स का हो जाएगा। लास्टली आती है प्राइज मनी। प्राइज मनी अगर देखा जाए तो आईपीएल टीम्स की अर्निंग का एक बहुत ही छोटा हिस्सा होता है। ये टीम ओनर्स एंड प्लेयर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। आईपीएल की टोटल प्राइज मनी 46.5 करोड़ रुपीज होती है, जिसमें से जीतने वाली टीम को 20 करोड़ रुपए मिलते हैं, रनर अप टीम को 13 करोड़ रुपए, थर्ड आने वाली टीम को 7 करोड़ रुपए एंड फोर्थ नंबर पर आने वाली टीम को 6.5 करोड़ रुपीज दिए जाते हैं। अब हमने इस वीडियो में ये समझ लिया है कि बीसीसीआई एंड आईपीएल की टीम्स कैसे पैसे कमाती है। अब वीडियो के लास्ट पार्ट में हम ये भी समझ लेते हैं कि ब्रॉडकास्टर, जो कि बीसीसीआई एंड आईपीएल के लिए रेवेन्यू का एक मेजर सोर्स है, वो अपने पैसे कैसे कमाता है। बिकॉज देखा जाए तो सिर्फ 2 कंपनीज ने बीसीसीआई को 48,000 करोड़ रुपीज पे किए हैं 2023 से लेकर 2027 तक आईपीएल के मैचेस दिखाने के लिए। इसमें से एक कंपनी तो है डिज्नी हॉटस्टार एंड सेकंड इज वायकम 18 व्हिच इज बैक्ड बाय रिलायंस ग्रुप। अब जब कोई कंपनी हजारों करोड़ रुपए आईपीएल पे खर्च कर रही है तो उसे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी उतना ही बड़ा चाहिए होगा। तो अब हम ये समझ लेते हैं कि ब्रॉडकास्टर्स को कैसे प्रॉफिट होता है। वेल, ब्रॉडकास्टर्स अपनी मेजॉरिटी अर्निंग्स मैच के दौरान चलने वाले एड से करते हैं। सिंस आईपीएल को काफी ज्यादा पॉपुलेशन फॉलो करती है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम 2021 के आईपीएल की बात करें तो इसको लगभग 40 करोड़ लोगों ने देखा था। तो इस पॉपुलैरिटी की वजह से मैच के टाइम पर चलने वाले एडवर्टीजमेंट भी एक्सपेंसिव हो जाते हैं। एज पर दिस हिंदू आर्टिकल, 2018 से लेके 2022 तक के बीच जो आईपीएल हुए उनमें 10 सेकंड के एड स्लॉट के एडवर्टाइजर्स ने 14 लाख रुपए तक पे किए थे। और जो ये 48,390 करोड़ की मीडिया राइट्स की डील हुई है उसके बाद तो 30 सेकंड के एड का रेट लगभग 1 करोड़ रुपए तक जा सकता है। सो देर आर हाई चांसेस कि जो आईपीएल अभी चल रहा है इसमें एडवर्टाइजर्स को 30 सेकंड के एड स्लॉट के लगभग 1-1 करोड़ रुपए पे करने पड़ रहे होंगे।
एट द एंड इंडिया में आईपीएल लोगों के लिए एंटरटेनमेंट का एक बहुत बड़ा सोर्स तो है ही, लेकिन साथ में ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जिसमें कंपनीज अपनी ब्रांड की विजिबिलिटी बढ़ा सकती है एंड अपने प्रॉफिट अर्निंग को और ज्यादा इंक्रीज कर सकती है, जो कि बिजनेस के लिए बिल्कुल परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। सो विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लगी हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उनको आईपीएल की बिजनेस साइड का भी पता चले। एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच इनसाइटफुल वीडियोस। थैंक यू।